जहाँ गर्मी की तपिश आमजन के लिए मुसीबत बनी है, तो वहीं लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जौली ग्रांड गांव के ग्रामीणों आज जल संस्थान कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस समस्या के निराकरण की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग को लगातार सूचना दिए जाने के बावजूद भी विभाग पानी की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे तंग आकर ग्रामीण आज जल संस्थान कार्यालय पहुंचे और जल से जल समस्या का निरीक्षण करने की मांग की। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। 15 से 20 लेडीजें कई बार हम यहाँ पे जल संस्थान में पहुंची हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जल्दी समाधान होगा आपकी, और टाइमिंग 5 से 7 का टाइम रखा है और हम डेली हमारा पानी का ही काम है। 4-5 दिन से हमारे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और हमारा डेली का है बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और कई काम, सारे काम पानी से होते हैं और जो हमारा मतलब हम पानी से कई दिनों से जूझ रहे हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा और ये नहीं करेंगे तो उसके बाद हम जल्द से जल्द यहाँ फिर धरने पे बैठेंगे। नेगी मोहल्ला है बड़ो वाला क्षेत्र का, जो कि थोड़ा उस क्षेत्र में ऊंचाई पे स्थित, अंतिम छोर पे, पेयजल योजना के अंतिम छोर पे ऊंचाई पे स्थित है, तो वहाँ पे लो प्रेशर की समस्या है, पानी है वहाँ पर लेकिन प्रेशर लो है, लो होता है, तो जिसके ये बात उनसे उनको आश्वस्त किया गया कि कल सुबह से जो है उनके लिए टाइम पीरियड सेपरेट रखा जाएगा जिसमें केवल उस क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर की समस्या। तो वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, कुछ स्थान है जहाँ पर लो प्रेशर की समस्या है तो उन पर विभाग काम कर रहा है और उनका भी निस्तारण कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो ग्रीष्मकाल को लेकर विभाग ने तैयारी की थी तो उसमें डोईवाला के खादर में एक नलकूप का निर्माण किया गया, तो वर्तमान में जिससे डोईवाला नगर की सुचारू पेयजल आपूर्ति हो रही है। एक प्रेम नगर में किया है जिसमें प्रेम नगर के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू हो रही है। एक मूलधार वार्ड नंबर 9 अठरवाला के अंतर्गत किया गया है, तो उससे अठरवाला में मूलधार क्षेत्र की समस्याएं का निदान हुआ है। वार्ड नंबर 8 चीनी गोदाम में किया है। ये मोहल्ले में पानी नहीं मिल पा रहा है जबकि ये समस्या काफ़ी 2-3 महीने से है, और इससे पहले जो हमारे जेई साहब है ये गए थे वहाँ क्षेत्र में मौके पे, तो उन्होंने कहा था हम लाइन डलवाएंगे लेकिन वो नहीं सिस्टम चल पाया। तो अभी जब काफ़ी दिन से बात हो रही है तो अभी इनसे बात हुई है, तो कल ये सुबह उसका टाइमिंग चेंज करके, क्योंकि जो जो जिस तरह ये भाने वाला साइड में उधर पानी पूरा खींच के आ जाता है और जो चढ़ाई है वहाँ पे पानी नहीं जा पाता, तो कल इनका टाइमिंग 5 से 7 के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल उसे ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो फिर उसमें कुछ रिटर्न वाल या एक वाल लगाएंगे जिसमें उसमें पानी को एडजस्ट किया जाएगा। तो कल ये 5 से 7 बजे तक इनके यहाँ पानी पूरा जो टंकी होगी तो उधर ही छोड़ा जाएगा।